वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सभी? आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो मैं आप सभी लोगों को बता दूं, न्यू यहां पर गाइडलाइंस आ चुकी हैं, ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है। आप सभी के साथ मैं शेयर करने वाली हूं, आप सभी को दिखाऊंगी। आपको नीट से बीएससी नर्सिंग के लिए अप्लीकेशन फॉर्म भी भरना नहीं पड़ेगा अब। एंड यहाँ पर जो रहेगा, आप लोगों को डायरेक्ट ही एडमिशन दे दिया जाएगा। कम्प्लीट डिटेल से हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि ऐसे ही लगातार अपडेट्स और इन्फॉर्मेशन आप सभी को मिलती रहे। तो ये सिर्फ एक कॉलेज के लिए नहीं है, काफ़ी कॉलेजेस इसमें इंक्लूड हैं। जब आप लोगों को जो है, अगर नीट से भी बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेना तो भी आप लोगों को अप्लीकेशन फॉर्म भरने की कोई भी जरूरत नहीं रहेगी। नीट से अगर आप लोगों को बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेना है तो आप लोगों के लिए अप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर स्टार्ट किए गए हैं काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ के द्वारा। आप लोगों को फॉर्म फिल करना है एंड फॉर्म फिल करने की भी फीस आप लोगों के अलग से लग रही है। बट अब ये जो है मोस्ट प्रोबेबली नहीं होने वाला। वैसे तो ये जो है कॉलेज की चॉइस पर डिपेंड करता है कि कॉलेज किस टाइप से एडमिशन ले। तो यहाँ पर मोस्टली कॉलेजेस ने चूज़ किया है कि अप्लीकेशन फॉर्म को ना भरवाया जाए एंड यहाँ पर डायरेक्ट ही एडमिशन दे दिया जाए। तो चलो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कंप्लीट। लोग देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की साइड से न्यू नोटिफिकेशन, न्यू दिल्ली की साइड से आप सभी के लिए जो नोटिफिकेशन रिलीज हो गया है आप सभी देख सकते हैं। हम लोग बात कर रहे हैं राजकुमारी अमृत कौर कॉलेज ऑफ नर्सिंग के बारे में। इन्होंने जो है नोटिस निकाल दिया, हम कोई भी अप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर फिल नहीं करवाने वाले हैं। हम जो है कोई फॉर्म की फीस यहाँ पर नहीं लेने वाले। तो जो आप लोगों की फॉर्म को फिल करने के पैसे लगते थे वो अभी नहीं लगने वाले, बिकॉज कोई फॉर्म आप लोगों से भरवाया ही नहीं जाएगा राजकुमारी अमृत कौर कॉलेज ऑफ नर्सिंग की साइड से। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो होगा वो डायरेक्ट काउंसलिंग रहने वाली, काउंसलिंग फॉर एडमिशन टू द बीएससी ऑनर्स कोर्सेज। अगर आप लोगों को बीएससी ऑनर्स कोर्सेज में एडमिशन लेना है एट राजकुमारी अमृत कौर कॉलेज ऑफ नर्सिंग, तो उसके लिए काउंसलिंग होगी, कोई अप्लीकेशन फॉर्म नहीं निकलने वाला है। डायरेक्ट काउंसलिंग रखी गई है, बी कंडक्टेड बाय द मेडिकल काउंसलिंग कमेटी। एंड ये काउंसलिंग जो है एमसीसी यहाँ पर करवा रहा है, मतलब मेडिकल काउंसलिंग कमेटी जो है काउंसलिंग करवाएगी। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज एंड मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ऑल द इंटरेस्टेड कैंडिडेट जो भी यहाँ पर एडमिशन लेना चाहते हैं, जो अबो मेंशन जो कोर्सेज हैं उनमें एडमिशन, मतलब जो बीएससी नर्सिंग ऑनर्स में एडमिशन, बीएससी नर्सिंग या बीएससी ऑनर्स आप लोग बोल सकते हैं, ऑनर्स नर्सिंग, दैट इज़ सेम, ठीक है। तो अगर आप लोग इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं तो विजिट करना होगा राजकुमारी अमृत कौर कॉलेज ऑफ नर्सिंग की ऑफिशियल वेबसाइट पर www.recon.com पर, और उसके साथ साथ मेडिकल काउंसलिंग कमेटी यानी कि mcc.nic.in मेडिकल काउंसलिंग कमेटी के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। तो ये यहाँ पर इन्होंने बोला है कि अगर एडमिशन लेना है तो इन वेबसाइट पर एक्टिव रहना होगा। इन वेबसाइट पर भी आप लोगों को एक्टिव रहने की जरूरत नहीं, आप जस्ट चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना है। जो भी लेटेस्ट अपडेट होगी हम आप सभी के साथ जो है शेयर करते रहेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं, आप लोगों को जो है रेकॉन के लिए, राजकुमारी अमृत कौर कॉलेज ऑफ नर्सिंग के लिए कोई फॉर्म नहीं फिल करना है, ठीक है। अभी आप लोगों को फॉर्म के पैसे भी नहीं लगने वाले, 3000 के अराउंड तो फॉर्म ही रहते हैं यूनिवर्सिटीज़ के। तो वो जो यहाँ पर एफर्ट्स आप लोगों को नहीं करने हैं। अभी जो रहेगा डायरेक्ट काउंसलिंग रहेगी, मेडिकल काउंसलिंग कमेटी जो काउंसलिंग यहां पर करवाने वाली है, तो कोई फॉर्म का झंझट नहीं रहेगा। आई थिंक वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलेंगे एक नेक्स्ट न्यू अपडेट के साथ, नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक